फ्रेंड पावर प्लांट डिस्कशन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंदन एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ आया हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है AFBC बॉयलर लाइटअप। AFBC बॉयलर लाइटअप जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग वॉच करेंगे, देखेंगे कि हमारा AFBC बॉयलर लाइटअप के समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और कितना पैरामीटर मेंटेन किया जाता है, उसको बारीकी से इसमें स्टडी करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग यह भी देखेंगे कि बॉयलर लाइटअप करने के लिए जो चारकोल यूज किया जाता है उसका साइज कितना होना चाहिए, उसका जीसीबी कितना होना चाहिए, उसका क्वांटिटी कितना होना चाहिए और डीजल का क्वांटिटी कितना यूज किया जाता है, इसके बारे में पूरा बारीकी से स्टडी किए हैं। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए और पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो थैंक यू, हमारे साथ बने रहिए, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये फ्रेंड आज का जो अपना टॉपिक है AFBC बॉयलर लाइटअप को स्टार्ट करते हैं। तो AFBC बॉयलर लाइटअप स्टार्ट करने से पहले हम लोग का एक कंडीशन होता है कि स्टार्ट से पहले हम लोग प्री चेक करते हैं। तो प्री चेक के अंदर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो प्री चेक के अंदर हम लोग यही चेक करते हैं कि जितने भी हमारा ड्राइव है यूज होता है वो उसको पहले चेक कर लेते हैं, रन करके चेक कर लेते हैं। तो उसको रन करने से पहले हमको इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंट सभी डिपार्टमेंट से हमारा उसका परमिशन होना चाहिए और उसके बाद हम उसको रन करके चेक कर लेते हैं। उसके बाद जितने भी डैम्पर्स वगैरह होते हैं, सक्शन डिस्चार्ज डैम्पर, जितने भी डैम्पर यूज होते हैं उसको हम लोग ऑपरेट करके देख लेते हैं कि ऑपरेट हो रहा नहीं। उसके बाद यह देख लेते हैं कि बॉयलर के ड्रम लेवल जो है वो 45-50% मेंटेन होना चाहिए, डीरेटर लेवल हमारा मेंटेन होना चाहिए और जितने भी वेंट्स है जैसे स्टार्टर वेंट हो गया, लाइन वेंट हो गया, ड्रम वेंट हो गया, ये ओपन कंडीशन में होना चाहिए और जितने भी ड्रेन है वो सब क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। तो ये चीज़ होना चाहिए और उसके बाद हमारा इंस्ट्रूमेंट का एयर प्रेशर हमारा रहना चाहिए, यानी कंप्रेशर हमारा रन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ प्री स्टार्टअप है। बट हम बॉयलर लाइटअप की बात करें तो डायरेक्ट हम अपने लाइटअप पे आ जाते हैं और यह देख लेते हैं कि हमारा यह बॉयलर है और ऑलरेडी क्या है, स्टैटिक बेड क्या है वो मेंटेन है। स्टैटिक बेड हमारा बेड मटेरियल इसमें ऑलरेडी फिल हुआ है और हमारा 240 से 260 mm हमारा बेड का मटेरियल इसमें फिल है, फर्स्ट कंपार्टमेंट से पूरा ऑल ओवर। और इसका हम लोग यह अज्यूम करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट कंपार्टमेंट का जो PA लाइन वगैरह, ये जितने भी PA लाइन है वो सब चीज़ क्लियर है। उसके बाद हम लोग लाइटअप को देखते हैं कि क्या होता है। तो हमारा जो AFBC बॉयलर का जो लाइटअप है ना वो दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो हमारा चारकोल लाइटअप होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चारकोल लाइटअप के बारे में। और दूसरा हमारा LDO होता है। चारकोल से लाइटअप करने के लिए हम लोग थोड़ा सा चारकोल के बारे में समझ लेते हैं कि चारकोल का क्या कंडीशन होना चाहिए। तो चारकोल का जो साइज है वो हमारा 15 से लेकर 25 mm तक होना चाहिए और जो चारकोल का GCV है, GCV हमारा 6500 से लेकर 7000 kcal इसका GCV होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा साइज हो गया और GCV हो गया। और क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी ऑफ चारकोल अगर 30 TPS तक का अगर बॉयलर है, 30 TPS तक का अगर बॉयलर है तो नियरली हमारा 250 kg तक का हमारा चारकोल का कंजप्शन होता है। अगर हमारा 30 TPS to 50 TPS तक का बॉयलर है तो उसमें नियरली 350 kg चारकोल का कंजप्शन होता है। अब इस 350 kg को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 350 kg को हम लोग एक ड्राई चारकोल बोलते हैं और एक बोलते हैं मिक्स विद डीजल चारकोल। तो जो ड्राई चारकोल होता है वो नियरली हमारा 250 kg यूज होता है और जो डीजल मिक्स्ड होता है उसको हम लोग नियरली, मान लीजिए बचा क्या 100 kg, हम इसको 350 को दो पार्ट में डिवाइड किए, एक विदाउट डीजल एक विद डीजल। तो हमारा डीजल का क्वांटिटी कितना लगेगा, नियरली जितना चारकोल है उसका 12%। तो 12% अगर 350 है तो इसका मान लीजिए लगभग 42 kg, ये हमारा इतना डीजल का कंजप्शन होगा। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि यह जो 250 kg है उसको फर्स्ट कंपार्टमेंट, यह हमने डायग्राम बना रखा है कि बॉयलर है चार कंपार्टमेंट का है, यह हमारा एक्टिव कंडीशन दिखा रहा है, मैंने दिखाने समझाने के लिए बना रखा है और यह स्टैटिक कंडीशन है। तो चलिए हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा यह स्टैटिक कंडीशन है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो 250 kg है इसके ऊपर हम लोग पहले स्प्रेड कर देंगे। तो 250 kg हमारा पूरा कंपार्टमेंट के अंदर चारकोल बिछा देंगे।
ठीक है। बिछाने के बाद अब फिर क्या करेंगे कि यह जब चारकोल जो है उसको डीजल मिक्स करके प्लस डीजल जब मिक्स करेंगे तो उसको ये वेट हो जाएगा। इसके बाद हम इसको इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, तो इसको इस पर हम लोग स्प्रेड कर दे, तो दोनों क्या हुआ, चारकोल सूखा चारकोल नीचे, ऊपर हमारा विद डीजल चारकोल आ गया। अब इसके ऊपर क्या करेंगे कि कॉटन जूट होता है, कॉटन जूट को इसके ऊपर जगह जगह पे रख देंगे। तो कॉटन जूट को क्या करेंगे, जो डीजल है उसके अंदर इमर्ज करके मतलब भिगो के इसके ऊपर हम लोग डिफरेंट प्लेस पे मतलब पूरा चारों कंपार्टमेंट के चारों तरफ जहाँ डीजल चारकोल है उसके चारों तरफ हम लोग क्या करेंगे, कॉटन जूट को भीगा हुआ डीजल से भीगा हुआ कॉटन जूट को स्प्रेड कर देंगे। अब इसको कर देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं इसको हीटअप करना। हम इसको कॉटन जूट को क्या करते हैं, स्वैप थ्रू करते हैं, स्वैप थ्रू बोलते हैं कि उसको जलाते हैं। जब ये कॉटन जूट जलाएंगे तो कॉटन जूट क्या करेगा, इसको हीट देगा डीजल चारकोल को देगा, तो यह क्या होगा, चारकोल डीजल बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होता है, इग्निशन इसका टेम्परेचर जो होता है चारकोल का बहुत कम होता है, डीजल का भी कम होता है, तो यह क्या होगा, इग्नाइट हो जाएगा बहुत जल्दी, चारकोल क्या होगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब जलना स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे देखेंगे कि पूरा हमारा जो चारकोल है चारों तरफ आग पकड़ लेता है, वो रेड दिखने लगता है। जब रेड दिखने लगे, हल्का हल्का रेड दिखने लगे पूरा, तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में, हमारा आईडी फैन जो है उसको चालू करते हैं। आईडी फैन चालू करके हमारा जो डिस्चार्ज डैम्पर है उसको ऑपरेट कर लेते हैं, और मिनिमम में हम लोग आईडी रखेंगे, जिसके चलते हमारा क्या होगा, ड्राफ्ट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फर्नेस के अंदर ड्राफ्ट ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एकदम बैलेंस्ड होना चाहिए। तो जब आईडी मिनिमम यानी 5% में, अगर मान लीजिए एज्यूम किए कि 5% में मैंने आईडी को चालू किया, अगर वीएफडी है तो, अगर आपका वीएफडी नहीं है तो आप तो फुल में आरपीएम में चालू हो जाएगा, तो आपका डिस्चार्ज डैम्पर केवल ऑपरेट कीजिएगा, सक्शन बंद रखिएगा तभी वो मेंटेन हो जाएगा। तो हम लोग अभी वीएफडी पे पूरा बात करेंगे। जब ये चालू करेंगे तो क्या होगा, हमारा डोर सब ओपन रहता है, फर्नेस का डोर सब ओपन रहता है, वहाँ से क्या करेगा, एयर को सक करेगा आईडी स्लाइटली, और क्या करेगा, ये चारकोल के कांटेक्ट में होते हुए ये हमारा क्या होगा, एग्जिट कर देगा बाहर की तरफ, हमारा आईडी क्या करेगा, सक करेगा। तो चारकोल से क्या होगा, एयर कॉन्टैक्ट में आएगा, तो जब कॉन्टैक्ट में आएगा तो क्या होगा, चारकोल और मतलब पकड़ेगा, ऑक्सीडाइज होगा, वो ऑक्सीजन मिलेगा तो वो और जलना स्टार्ट करेगा। तो देखेंगे यह क्या करेगा ना, चारकोल पूरा रीड हो जाएगा, पूरे चारों तरफ रीड हो जाएगा। उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, आईडी के बाद हमारा जो सिक्वेंसली है, अगर एफडी है तो एफडी चालू कीजिए, पीए तो पीए को मेंटेन कर लीजिए, फिर फिलहाल हम एफडी यहाँ पे आईडी पीए एफडी इंटरलॉक है, तो एफडी को क्या करें, चालू करते हैं। एफडी को क्या करेंगे, एफडी चालू, एफडी फैन का क्लियरेंस लेके एफडी फैन चालू कीजिए, और उसका जो डिस्चार्ज जो सक्शन डैम्पर आप ओपन कर लीजिए, और उसको मिनिमम में रखिए, यानी आईडी 5% है यानी इसको 10% रखिए, 10% यानी मुश्किल से 3 से 4 टन का एयर उसका फ्लो आएगा। तो उस कंडीशन में क्या देखेंगे, इतना करने का क्या रीज़न होता है, देखते हैं कि जो हमारा यह देखिए नोजल है, यहाँ से हमारा एयर इतना बहुत कम अमाउंट में जाएगा, बहुत ही कम अमाउंट में जाएगा, और यहाँ से बहुत ही चारकोल को एकदम धीरे से पास करके वो निकलेगा। ऐसा करने से क्या होता है कि जो चारकोल है उसको एकदम प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है, वो ऑक्सीजन एकदम स्लाइटली ऑक्सीजन मिलता है उसको, और मिलने के बाद वो क्या होता है, और जल्दी जलना स्टार्ट होता है। तो देखेंगे कि यह जो हमारा चारकोल जो है ना, वो पूरा क्या होगा, रीड हो जाएगा, पूरा एकदम रीड हो जाएगा। और उस कंडीशन में हमको एक चीज़ देखना है कि जो ड्राफ्ट है ना वो बैलेंस्ड होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो चारकोल से है फ्लेम आना लगेगा, फ्लेम आने लगेगा, तो वो फ्लेम को देखते हुए आपको बैलेंस्ड करना है कि फ्लेम का जो एंगल है, जो हमारा लॉ जो निकल रहा है, वो एकदम करेक्ट 90 डिग्री पे होना चाहिए। फ्लेम एंगल शुड बी 90 डिग्री। क्यों, अगर मान लीजिए 90 डिग्री से इधर है, अगर मान लीजिए 120 मतलब आईडी तरफ है, सेकंड कंपार्टमेंट तरफ है, कहने का मतलब आईडी ज़्यादा है, वो आपको बुझा सकता है वहाँ पे। अगर पॉजिटिव है तो भी आपका डेंजर है, आपको फ्लेम वहाँ पे उस कंडीशन में चारकोल को एकदम 90 डिग्री पे रखना है, यही आपको वहाँ पे वॉच करना है। अभी हमारा क्या है, फ्लेम जो है चारकोल का वो 90 डिग्री पे आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा अभी आईडी का कंडीशन है 5%, एफडी है 10%। तो उसके बाद जब हम लोग देख लेंगे कि जो हमारा चारकोल है वो पूरा चारों तरफ रेड दिखने लगा, पूरा रेड दिखने लगा, उस कंडीशन में हम लोग अब क्या करेंगे, पीए फैन को चालू करेंगे। और पीए फैन चालू करने के बाद हम जो पीए फैन का हेडर प्रेशर जो है वो 500 से लेकर 600 mmwc रखते हैं।
इसको इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा रखेंगे तो वो अपने आसपास का जो एरिया है वहाँ का बेड को पूरा उड़ा देगा, वहाँ का चारकोल उड़ा देगा, तो वहाँ पे क्या करेगा, हीट लॉस करेगा। तो अब हम पीए को तभी बढ़ाएंगे जब बेड का टेम्परेचर आ जाएगा, जब हमको कोल फीडिंग देना है तभी हम पीए फैन को, पीए हेडर प्रेशर बढ़ाएंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि अब क्या करना है। जब हमारा चारकोर पूरा चारों तरफ जलने लगा तो उस कंडीशन में हम लोग थोड़ा सा एफडी को और बढ़ाएंगे, यानी जो 10% है उसको 15% कर देंगे, और आईडी को भी थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग हम लोग ड्राफ्ट को मेंटेन करेंगे। तो जब 15% करेंगे तो और क्या होगा, हमारा ये और ऐसे ऐसे जाएगा, थोड़ा सा एयर का फ्लो और तेज़ होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग वॉच करेंगे कि जो हमारा फर्नेस का टेम्परेचर है वो नियरली 60 से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस हमारा राइज करेगा, ठीक है। ये हमारा फर्नेस का टेम्परेचर बढ़ेगा, जब 15% किए तो बढ़ा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे और थोड़ा सा 10% बढ़ा के देखते हैं, यानी 25% और करेंगे। जो ये 25% करने से थोड़ा सा और एयर का फ्लो बढ़ाएंगे और ड्राफ्ट शुड बी मेंटेन, ड्राफ्ट भी हमारा उसी के अकॉर्डिंग बढ़ाएंगे, 5, 7, 8 जितना पे भी मेंटेन हो तो ड्राफ्ट शुड बी मेंटेन। जब 25% करेंगे तो हमारा फर्नेस का जो टेम्परेचर है जो 60 से 70 था वो 100 डिग्री से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस तक राइज करेगा। जब हमारा फर्नेस टेम्परेचर इतना पहुंच जाएगा, इस कंडीशन में भी हमारा बेड जो है ना फुल डाइज नहीं कर रहा है, यह नियरली मान लीजिए यह अगर 2-3 टन है, 3 TPH जा रहा है, और तो यह 5 TPH होगा, और यह मान लीजिए 7 TPH होगा एयर का। यह क्या करेगा, अभी भी हमारा फुल डाइज नहीं कर रहा है, अभी भी वो स्टैटिक ही कंडीशन में है, बस केवल एयर को उसके थ्रू पास कर रहा है और इसको दे रहा है ऑक्सीडाइज होने के लिए, इसको कंबस्टन के लिए दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग जब इतना फर्नेस का टेम्परेचर आ गया तो हम अब रेडी हो जाएंगे कि अब हमको बॉयलर को मिक्सिंग देना है। तो जितना ये ड्राफ्ट है ना उतना ही ड्राफ्ट पे हम क्या करेंगे, बॉयलर को पूरा फर्स्ट कंपार्टमेंट को मिक्सिंग देंगे। मिक्सिंग कितना देंगे, तो यह 92-95% एफडी को इंक्रीज कर देंगे, एफडी को 95% तक इंक्रीज कर देंगे, यानी जो मैक्सिमम एयर फ्लो है ना वहाँ तक हम लोग इसके अंदर देंगे। तो क्या होगा, जैसे ये मैं डायग्राम देख रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, ऐसे ऐसे होगा पूरा बेड, ऐसे ऐसे मतलब पूरा सर्कुलेट होने लगेगा। अगर पॉजिटिव, अगर ड्राफ्ट अगर निगेटिव करेंगे तो हमारा जो चारकोल है लाइट होता है वो सेकेंड कंपार्टमेंट में शिफ्ट कर जाएगा, तो इसीलिए हम पॉजिटिव देते हैं ताकि यह प्रॉब्लम इधर ना आए, वो इधर ही हमारा होते रहे और पूरा जो बेड ये जो है पूरा बेड के अंदर वो क्या है, चारकोल को मिक्सअप कर दे, हमारा जो चारकोल है वो पूरा बेड के अंदर इधर उधर पूरा मिक्स करेंगे। और जब ये 90% पे हम लोग 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, 10 सेकेंड जब होल्ड करेंगे तो हम लोग यह चीज़ फिक्स कर लेते हैं, उतना कंडीशन में हमारा जो चारकोल है पूरा बेड के अंदर मिक्स हो जाएगा, और उसके बाद सीधे हम जो एफडी को डाउन 10 सेकंड बाद डाउन करके हम लोग 45% पे लेकर आ जाते हैं, और ड्राफ्ट को तब जाके हम लोग जब 45% आएगा तब हम ड्राफ्ट को मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो यह 45% का मतलब हो गया कि अब हमारा जो बेड है वो मिनिमम फ्लूडाइजेशन कंडीशन में आ गया, अब वो क्या करेगा, धीरे धीरे फ्लूडाइज कंडीशन में आ गया। तो हम लोग देखेंगे कि उस कंडीशन में क्या होगा, कि हमारा जब मिनिमम फ्लूडाइजेशन में लाएंगे तो उस समय हमारा बेड का टेम्परेचर जो है राइज करना स्टार्ट करेगा, और स्लाइट फर्नेस का टेम्परेचर भी क्या होगा, राइज करेगा। तो फर्नेस टेम्परेचर भी हमारा 300-400 ऐसे बढ़ना स्टार्ट होगा, और जब बेड का टेम्परेचर जब हमारा 500 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए, 500 डिग्री सेल्सियस तक बेड का आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पीए फैन है हमारा 500 से 600 है इसको हम लोग राइज कर लेते हैं कितना तक, तो नियरली 1000 mmWc तक हम लोग इसका प्रेशर को राइज कर देते हैं। और प्रेशर राइज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो फीडिंग है कोल फीडिंग का सिस्टम, यानी ड्रैक्शन चालू कर लेंगे, कोल फीडर चालू कर देंगे, और मिनिमम में कोल फीडिंग बॉयलर को फिट कर देंगे। उस कंडीशन में उससे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि पीए लाइन क्लियर है नहीं, अगर नहीं क्लियर है तो उसको आप लोग आप क्लियर कर सकते हैं, क्लियर करवा लीजिएगा, उसके बाद क्या करेंगे, कोल फीडिंग छोड़ेंगे। जब कोल फीडिंग जब इसके अंदर मिनिमम में जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि बेड का टेम्परेचर और फर्नेस का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, और फ्लेम जो है ऑरेंज कलर में धीरे धीरे कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा।
और उसके अकॉर्डिंग जैसे हमारा फीडिंग दिए उसके बाद हम एयर का फ्लो, जो एफडी का एयर फ्लो है, उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। 45 है, 50% 60% ऐसे करके हम लोग जितना भी फर्स्ट कंपार्टमेंट के लिए है, अगर 13-14 टन अगर लगता है तो उतना कंपार्टमेंट के लिए हम लोग उतना एयर लेके आ जाते हैं और देखेंगे। और धीरे धीरे हम कोल फीडिंग बढ़ाते जाएंगे, फीडिंग देते जाएंगे, एयर देते जाएंगे। जैसे कोल फीडिंग बढ़ाएंगे वैसे एयर बढ़ाएंगे, जैसे कोल फीडिंग बढ़ाएंगे वैसे एयर बढ़ाएंगे। तो एक कंडीशन में जब स्टैंडर्ड एयर इसको प्रोवाइड होने लगेगा फर्स्ट कंपार्टमेंट के लिए, तब हमारा ये देखेंगे कि हमारा बेड का जो टेम्परेचर है वो नियरली हमारा 800-900 डिग्री सेल्सियस रीच हो जाएगा, पहुंच जाएगा। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, बॉयलर को अगर देखेंगे, अगर बेड हाइट थोड़ा सा बेड का चार्जिंग करवा देते हैं, जिसके चलते चार्जिंग करने से क्या होता है, बेड के अंदर जो हीट का रिटेंशन है वो एकदम कांस्टेंट होने लगता है और बेड जो कांस्टेंट हो जाता है, तो हमारा ये बेड का चार्ज कर देते हैं, बेड हाइट भी कम रहता है तो बेड हाइट मेंटेन हो जाता है। तो ये चीज़ होता है। उसके बाद हमारा क्या होगा, बेड फर्स्ट कंपार्टमेंट का लाइन में आ गया, वैसे ही हम सेकेंड कंपार्टमेंट को इसका डैम्पर खोल के इसको मिक्सअप कर देते हैं और सेकेंड कंपार्टमेंट का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, ऐसे पूरा चारों कंपार्टमेंट ले लेते हैं। और जब देखते हैं कि जब हमारा प्रेशर, जब उस कंडीशन में देखेंगे जब फर्स्ट कंपार्टमेंट आएगा तो आपका बॉयलर का प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा, तो जब आपका 2 kg प्रेशर आ जाएगा तो आप ड्रम वेंट बंद कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा लाइटअप के बारे में, पूरा ऑल अबाउट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बॉयलर लाइटअप के बारे में पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू, अगर मेरा यह वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।